और जहाँ पे ज़्यादा कीड़े आपको दिख रहे हैं वहाँ पे अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से आपको पौधों को भिगाते हुए छिड़काव करना है। तो किसान भाइयों, यह थी जानकारी माहो कीट और धान से संबंधित सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने के लिए। आप लोग इसी दवाई का अभी छिड़काव करें और इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कीटों का नियंत्रण होता है। वाइट फ्लाई, जैसीट, एफिड और तना छेदक, पत्ती लपेट, ये सारी चीज़ें का कंट्रोल होता है। तो आने वाले समय में जो आपकी धान की ये बालियाँ काटती है इल्ली कीड़े, वो भी नहीं काटेंगे जब आप इस कॉम्बिनेशन का छिड़काव करोगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम धान के खेत में हैं। आज है 3 अक्टूबर 2022 और धान के फसल पक चुके हैं हमारे, लेकिन अभी इसमें जो है ये माहों का रोग लगा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कीड़े हैं, आप देखिए कितना ज़्यादा इसमें लगे हुए हैं। ये कीट जब लगते हैं तो धान को पूरी तरह से सुखा देते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है किसान भाइयों का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अगर इसको हिलाऊं थोड़ा सा इसको पत्तियों को, तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा उड़ रहा है, अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा तो। और थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे तो ये जो है ये धान की बालियाँ पूरी तरह से सूख चुकी है। तो समय पर अगर आप सही कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये वाली समस्या आपको आपके धान में देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए कितना ज़्यादा कीड़े यहाँ पे उड़ रहे हैं। तो इससे पहले भी हमने कुछ दवाइयों का छिड़काव किया था, जिसका वीडियो मैंने आपको बनाकर बता चुका है। और आज हम देखेंगे कि इस तरह से जब धान के खेत में गंभीर स्थिति आ जाती है, ये कीड़े इतना प्रभावी हो जाते हैं कि पौधों को पूरा मार के सुखा देते हैं और धान का रस को पूरा चूस लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे पूरा धान को, यहाँ का बालियों को चूस लिया है। तो यहाँ पे जो है हमको धान नहीं मिलने वाला, बहुत नुकसान हो गया है और साइड साइड में बचा है अच्छे से। तो इसको अगर कंट्रोल करना है अच्छे से हमें, तो अभी सही इफ़ेक्टिव दवाइयों का छिड़काव हमको करना पड़ेगा। तो किसान भैया, आज हम देखेंगे कौन से दवाइयों का छिड़काव करना है और मैं यहाँ पर अभी छिड़काव करने वाला हूँ। और ये जो किस्म है ये अजीत कंपनी का है, अजीत धान है। और इधर जो है ये श्रीकार 369 है। तो जब दवाइयाँ जो है हमारे पास, अभी जो मैं आपको दिखा देता हूँ, दो फॉर्मूलेशन को हमें मिक्स करना है। यहाँ पर देखिए, एक है ये लैंसर गोल्ड, ठीक है, लैंसर गोल्ड, और एक है एक्का, ठीक है। ये देखिए ये वाला है एक्का नाम से आता है ये वाला। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला आप ये देख सकते हैं, थायमेथोक्सम 12.6% प्लस लेमडा थायलोथिन 9.5% ZC फार्मूलेशन में है। इसको आपको लेना है 20 ml प्रति 20 लीटर पानी में, ठीक है। और ये जो लैंसर गोल्ड है, लैंसर गोल्ड आप देख सकते हैं, इसका फॉर्मूलेशन है एसीफेट 50% प्लस इमडाक्लोप्रिड 1.8% SP। ये आपको 500 ग्राम का पैक जो है आपको मिलेगा 500 रुपये के आसपास में। यहाँ पे इसका कीमत 815 रुपये लिखा है, लेकिन ये 500 रुपये में मिल जाएगा आपको। और ये वाला भी आपको 250 रुपये के आसपास में मिल जाएगा, 80 ml का जो पैक है एक्का का। तो इन दोनों दवाइयों को मिला करके आपको छिड़काव करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं लेंसर गोल्ड का 50-50 ग्राम का पाउच बना के लाया हूँ। तो एक स्प्रे टैंक में आपको 50 ग्राम लेंसर गोल्ड डालना है और 20 ml ये एक्का इंसेक्टिसाइड डालना है। दोनों को मिक्स करके आपको इस धानों में छिड़काव कर देना है, जिससे कि आपके जो धान है उसमें जितने भी जो भी प्रकार के कीड़े हैं सारे कीट मर जाएंगे। तो इस छिड़काव को किसान भाई ज़रूर करिएगा, इसके बिना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। करीब आपको
600 से लेकर 700 रुपये खर्च होगा प्रति एकड़ में, और एक एकड़ से भी ज़्यादा भी हो सकता है इसका। आप छिड़काव करोगे तो आप जिस हिसाब से छिड़काव करोगे उस पर निर्भर करेगा, और जहाँ पे ज़्यादा कीड़े आपको दिख रहे हैं वहाँ पे अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से आपको पौधों को भिगाते हुए छिड़काव करना है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी माहो कीट और धान से संबंधित सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने के लिए। आप लोग इसी दवाई का अभी छिड़काव करें, और इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कीटों का नियंत्रण होता है, वाइट फ्लाई, जैसीट, एफिड और तना छेदक, पत्ती लपेट, ये सारी चीज़ें का कंट्रोल होता है। तो आने वाले समय में जो आपकी धान की ये बालियाँ काटती है इल्ली कीड़े, वो भी नहीं काटेंगे जब आप इस कॉम्बिनेशन का छिड़काव करोगे। तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी किसान भाइयों को हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी धान सभी के बालियां परिपक्व हो चुकी हैं अधिकतर किसान भाइयों के, तो ये छिड़काव उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भी कोई जानकारी होगी तो हम समय पर आप लोग को वीडियो बनाकर अपलोड करते जाएंगे, और आप लोगों को कोई और क्वेश्चन होगा तो चैनल के नीचे कमेंट करिएगा, हम उसका आंसर देंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सारा चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्याओं का फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं। मिलेंगे और भी अच्छी जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।